व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड भारत मंडपम? अनुभव मंडपा से प्रेरित है जी, जो कि एक फोरम होता था ओपन डिबेट एंड डिस्कशंस के लिए। द मार्वेलस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ न्यूली बिल्ट ITPO इज अ स्टेट ऑफ आर्ट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ITPO और भारत मंडपम के तहत है, हम हर तरह से तैयार हैं विदेश के सभी मेहमानों का स्वागत करने के लिए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है हर चीज को हैंडल करने के लिए। दिस इज द इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर ऑफ न्यू इंडिया। दिस इज द न्यूली कंस्ट्रक्टेड भारत मंडपम इक्विप्ड विद द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज विच इज नाउ रेडी फॉर G20 समिट एंड टू वेलकम वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लीडर्स। नमस्कार, मैं ईशा दुबे और मैं स्वागत करती हूँ आपका फ्राइडेज एट माई गोव में। जुलाई 2023 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में नए ITPO यानी कि भारत मंडपम का उद्घाटन किया था। तो मेरे साथ यहाँ पे पुष्पम कुमार जी मौजूद हैं जो कि OSD हैं ITPO के। तो आइए इनसे मिलकर जानते हैं कि इनका भारत मंडपम के बारे में क्या कुछ कहना है। तो सर, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड भारत मंडपम? भारत मंडपम, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण समारोह के दौरान बताया, अनुभव मंडपा से प्रेरित है जी, जो कि एक फोरम होता था ओपन डिबेट एंड डिस्कशंस के लिए। और आप G20 समिट के दौरान भारत मंडपम में आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार ओपन डिबेट और डिस्कशन को इंस्पायर करेगा। ये भारत मंडपम इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि ये G20 में भारत की अध्यक्षता के दौरान उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा जब विश्व के कोने कोने से बड़े बड़े लीडर्स इस G20 समिट में शिरकत करेंगे। G20 की तैयारियों के बारे में क्या कुछ कहना है, किस तरह की भव्य तैयारी चल रही है? जहाँ तक ITPO और भारत मंडपम के तहत है, हम हर तरह से तैयार हैं विदेश के सभी मेहमानों का स्वागत करने के लिए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है हर चीज को हैंडल करने के लिए। जैसा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम के उद्घाटन के वक्त कहा था कि ये भारत मंडपम आह्वान है भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का। ये भारत मंडपम दर्शन है भारत की भव्यता का, भारत की इच्छा शक्ति का। Sir, what do you have to say about this marvelous infrastructure of newly built ITPO? The marvelous infrastructure of newly built ITPO is a state of art world class infrastructure with the latest technology. However, the bottom line is, it is Indian at heart. Yeah. Every floor, every room, every space is inspired by our own cultures, traditions. You can find yoga mudras there, exactly, at the walls. You can find paintings like Tanjore painting and Madhubani art on the walls. Every room has its own story of our own culture and traditions. The carpets are from Badohi and Kashmir. The chairs have been designed in India. And the walls and the frame, we have a sunk in front of ours. आज जब पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ऐसे में भारत जब डिफरेंट सेक्टर्स में ग्लोबली लीड करके भारत एक विकसित दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे समय में देश की राजधानी दिल्ली में ये जरूरी था एक इंटरनेशनल स्तर का कन्वेंशन सेंटर होना, जिसकी जरूरत को समझते हुए बहुत ही कम समय में इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया। सर, ये भारत मंडपम जब बनाया गया था कोविड के समय बनाया गया था, तो उस समय जो सिचुएशन थी काफी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो उस बारे में आपका क्या कहना है, क्या तकलीफों का सामना करना पड़ा इसको बनाने के वक्त? इसको बनाने के दौरान हमने एक साल से अधिक समय कोविड के दौरान जी बिताया, लेकिन उस समय भी हमारे यहाँ मजदूरों को रखा गया था, मजदूर दिन रात काम किए उस समय भी, और हम उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखें ताकि यहाँ पे न काम बाधित हो ना ही किसी मजदूर की लाइफ बाधित हो। ये भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। ये भारत मंडपम स्टार्टअप्स की शक्ति को शोकेस का माध्यम बनेगा। ये भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस का साक्षी बनेगा। What is the vision of this भारत मंडपम? The vision of this Bharat Mandapam is showcase India in world. It is a world top 10, it's a part of world top 10 infrastructure in
कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन इंडस्ट्री। अगले महीने सितंबर में भारत मंडपम में G20 सम्मेलन होने वाला है, जिसको लेकर यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। आपको बता दें कि भारत मंडपम में हो रही इस G20 की बैठक के बाद पूरी दुनिया भारत की लीडरशिप की जो क्षमता है उसको समझेगी और स्वीकारेगी भी। अभी के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।